सिंह, हमेशा आप याद रखिएगा, मैं अपना जो मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देखा अपने पोर्टफोलियो के अंदर, नुकसान देखा है बहुत कम लेकिन प्रॉफिट बहुत देखा है। उसका कारण यही था, चाहे मुझे समझ थी नहीं थी, मुझे वॉरेन बफेट की एक लाइन याद थी, वो कौन सी कि आप जब भी इन्वेस्ट करो लंबे समय के लिए करो, थोड़े समय के लिए अगर नुकसान भी होता घबराओ मत, उसको होल्ड करके रखो शेयर को, आपको वो आगे अगर उसकी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को 5 और फेवरेट शेयर्स बताऊंगा जिसमें आप अपने मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो भी मैं आप लोगों को बताऊं प्लीज आप उसको नाप तो लेना खुद से, हमेशा याद रखना मैं जो बता रहा हूं उसको नाप तो लो खुद से, ठीक है। जब आप श्योर हो जाओ तभी आप लगाओ। फिर से कह रहा हूं यहां पर रिसर्च अपनी कर लेना मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, 5 स्टॉक जो आपको बाय करने चाहिए खरीदने चाहिए उसके बारे में बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टॉक, और उसके अलावा कैसे आप अर्न कर सकते हो और गिफ्ट कौन सा है, तो टोटल 5 चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलो इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सारी चीज की शुरुआत एक ही जगह से होती है कि अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो शेयर मार्केट की बात सुनने का कुछ फायदा ही नहीं है। डीमैट अकाउंट खुलवाइए, जैसे आपका बैंक में नॉर्मल अकाउंट होता है आपका खुद का डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप शेयर खरीद पाओगे, अदरवाइज नहीं। डीमैट अकाउंट खुलवाना बेहद आसान है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाने के, और 3 दिन के बाद आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है और आप बढ़िया से शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, एंजल्स ब्रोकिंग में भी कर सकते हैं, और अगर आप अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं चाहे एंजल्स में, दोनों में ही खोल सकते हैं। ये आपको सुविधा दे रहा हूं, कहां पे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, नहीं तो अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हो अभी इस वक्त, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली जाओ, ये जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली जाइएगा तो आपको वहां पर डायरेक्टली ही मिल जाएगा, ठीक है। ये शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं ये जो चल रहा है अभी, इसी के एंजल से भी खोल सकते हो, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, तो बेटर है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है फटाफट से क्लिक करो, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो। कल को आपका डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो शेयर कहां से खरीदोगे, और बाय द वे ये बहुत सेफ है, सिक्योर है, आप उसकी चिंता मत करो, इतना टेंशन नहीं लेना कि हाँ हमने शेयर खरीदे तो कहां है, वो आपके पोर्टफोलियो में ही रहते हैं, आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो गिफ्ट का। और डीमैट अकाउंट खोलना कैसे है, दैट्स वेरी इजी, आप लिंक जो गिवन है उस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको क्या कहेगा, वो लिंक पे क्लिक करोगे तो वो ऐप है या वेबसाइट है वहां पे लेके जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट है उस पर क्लिक करो, उसके बाद आपकी आपको ना बेसिक डिटेल भरनी है, आपका नाम क्या है वो सब डीमैट अकाउंट में, जैसे आप नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो वैसे डीमैट अकाउंट होता है, वहां से आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपसे KYC करवाएगा, आधार या पैन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए तभी आपका वो होगा, तो पैन और आधार लेके बैठना उससे होगा, और फाइनली आधार OTP से वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा, 3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है यूजर आईडी पासवर्ड, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, ये सिंपल तरीका होगा। मैं आपको मेरे रेकमेंडेड 5 शेयर्स बताऊंगा जो आप बेस्ट टू बाय आप खरीद सकते हो, ठीक है। इतने सारे शेयर देखे, मेरी रेकमेंडेशन क्या है, लेकिन फिर से वो मेरी रेकमेंडेशन है, आपको मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन कंपनियों जब आपको शेयर खरीदने का मन करे तो उन कंपनियों को रिसर्च कर लेना, जब आपको लगे कि यह रिसर्च में काफी अच्छा है, ये मेरे भी पोर्टफोलियो के हिस्सा है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, मैंने भी उन्हें खरीद रखा है, तो मैं मेरे शेयर्स बताने वाला हूं आपको, और ये सेफ शेयर्स हैं, बट फिर भी आपसे कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। फाइनली टॉप 5 शेयर्स बताता हूं, उसके बाद सेशन में 10 मिनट और लगेंगे फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो ईमानदारी से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये देखिए सबसे पहले FMCG सेक्टर पर चलते हैं, सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, कुछ भी हो जाए कुछ भी, इंसान जब तक जिंदा है उसे खाने के लिए चीजें चाहिए, समझ में आता है, सिंपल है, आपको आटा चाहिए चावल चाहिए वो अलग बात है, कोई बड़ी ही कुछ हो गया प्रलय आ गए सब इंसान ही खत्म हो गया तो FMCG सेक्टर क्या सभी सेक्टर खत्म हो जाएंगे, बट जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे खाने पीने के लिए चीजें चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि इतना महंगा शेयर मत खरीदो, आओ आपको बढ़िया शेयर बताता हूँ, आपको फ्यूचरिस्टिक शेयर बताता हूँ, मारिको 492 रुपए का शेयर है, पिछले 5 साल में 236 रुपए बढ़ा है और ये काफी अच्छा शेयर है, इसका P/R 55 है, ROE इसका 35 है, हालांकि P/R थोड़ा ज्यादा है लेकिन ROE ठीक है, तो ये कंपनी मैं आपको बता सकता हूँ, एक तो इकोनॉमिक है, शेयर प्राइस ज्यादा नहीं है, और FMCG सेक्टर क्योंकि एवरग्रीन सेक्टर है तो ये कंपनी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। मारिको के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप एक्चुअली आपके घर पे होंगे पक्का, बहुत से प्रोडक्ट एक आध तो आप पक्का रखते हो, तो मारिको का शेयर है FMCG में आपको रेकमेंड करूंगा। ITC इसलिए रेकमेंड, मतलब उनके लिए रेकमेंडेड है जिनको डिविडेंड चाहिए, मतलब
अदरवाइज इसका शेयर प्राइस तो 150 से लेकर 250 में डोलता रहता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं। अगर आपको डिविडेंड प्यारा है तो आप आईटी में, इसका पी रेशो काफी कम है, 19 का ही है और आरओई 21 है। तो अगर आपको डिविडेंड में खेलना है, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको बाकी में पैसा कमाना है, मारिको जैसे शेयर में लगाओ जहां पर सिर्फ 492 रुपए का शेयर। पहला मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर, तो मैं आपको सेफ सेक्टर बता रहा हूं, एफएमसीजी सेक्टर सेफ, वहां पैसा लगा सकते हो, पैसा डूबेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसीआई। इसका पी रेशो काफी कमी है, एक तरह से कमी कहेंगे 23 का ही पी रेशो है जो ठीक है। आरओई इसका ठीक है 13 का, और ये फ्यूचरिस्टिक वे से आप कोई भी कहेगा आपको आईसीसी बैंक में आप अपना थोड़े बहुत शेयर खरीद के रख सकते हो, काफी अच्छा है। 5 साल में 419 रुपए ऊपर चढ़ गया ये शेयर, ये मेरा रेकमेंडेड शेयर है। लेकिन आपको मैं ये आपके, इसके अलावा तीसरा है पावर सेक्टर, जहां पे आपको बोलूंगा सेक्टर थोड़ा रिस्की है लेकिन काफी अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस इसीलिए है क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली, क्योंकि पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली सबको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल रिसोर्सेज जिससे आप बिजली पैदा करते हो, धीरे धीरे, जैसे कोल की बात करें तो ये जो धीरे धीरे वो जो वी कैन से कि इनके संसाधन है ना, जो चीज़ें वो धीरे धीरे कम होती जा रही, कोल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं, बिजली तो अब सबको चाहिए और धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें। और अभी तो क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको गांव गांव तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी, जो कि अभी तक भी बहुत सारे गांव में पहुंची नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी बड़ा पैकेज उन्होंने इशू किया है, तो वो पावर सेक्टर को बूम करने के चांस, तो पहले अगर होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पैकेज इशू किया है पावर सेक्टर के लिए। किसके लिए? ट्रांसमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पावर सेक्टर में बूम आ सकता है आने वाले सालों में, ठीक है। वो कैसे पता लगता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई भी हो, पावर तो सबको देनी पड़ेगी। इन दैट केस दो शेयर में, एक तो है अडानी पावर जो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 सालों में 100 करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी अब सोचो जरा, मुश्किल से कुछ 30 रुपए का शेयर हुआ, 30 रुपए का शेयर 148 रुपए का हो गया 5 सालों में। पी 45 का है, आरओई -2 है, लेकिन उसको आप मत देखो क्योंकि अब प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अब पैकेजेस वगैरह मिलने शुरू हो। अच्छा चलो, अडानी पावर भी नहीं खरीदना चाहते तो एक और बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है टाटा, टाटा का नाम जुड़ जाता है तो वो शेयर होगा टाटा पावर, 125 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 51 रुपए की ग्रोथ है, लेकिन दोनों चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। सॉरी, पी तो कम होना चाहिए, 38 का पी है, आरओई 5 का ही है, बट एटलीस्ट अडानी से आरओई बेटर है, ठीक है, और पी भी बेटर है। तो अगर मुझसे पूछो कि अडानी पावर और टाटा, ये मेरी समझ है, मेरी रिसर्च है, आई विल गो विथ टाटा पावर क्योंकि ये रिलायबल है, ठीक है, और काफ़ी टाटा का नाम जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़, बट ऐसा नहीं कि अडानी पावर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। अडानी का पावर का भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो अडानी के शेयर खरीद रहा है उसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है अभी हाल फिलहाल तो। लेकिन अगर मैं फ्यूचर वे से देखूँ तो मुझे टाटा पर बहुत भरोसा है, तो दोनों शेयर्स अच्छे हैं, आप किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों शेयर लिखे। तो आप अडानी भी खरीद सकते हो, आप टाटा भी, ग्रोथ अगर देखनी है तो यहाँ पर पैसा काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं लोग, लेकिन अगर फ्यूचर देखना है तो टाटा, ठीक है। और फाइनली चौथा शेयर मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर ई व्हीकल के हिसाब से। अगर आप आने वाले समय में, क्योंकि ई व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं आने वाले समय में, पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, इन दैट केस मैं आपको दो शेयर यहाँ रेकमेंड करता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा मात्र 808 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 136 का ही उसने ग्रोथ दिया है, बट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, ये सारे शेयर मैंने भी खरीद लिए। पी रेशो 22 है, ठीक है, आरओआई भी ठीक है, लेकिन ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जब ई व्हीकल्स आएंगे तो इसका मेन रोल होगा। और इसके अलावा IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज फ्यूचर के लिए, किसी भी अगर आप जाओगे ना किसी के पास तो बोलेगा फ्यूचर के लिए IEX शेयर जरूर पास करना, ठीक है। सो ये IEX है, आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, महिंद्रा को भी रेकमेंड कर सकते हो। अगर आप ई व्हीकल के पॉइंट से देखो तो दो शेयर मैं आपको रेकमेंड करूँ, बट फिर से मैं कहता हूँ आप अपनी रिसर्च कर लेना, ये मेरे फेवरेट है। फाइनली IT सेक्टर, तो मैंने ऐसे सेक्टर ही पकड़े हैं जो कि सेफ है, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, सेफ है। फाइनली मेरी तरफ से विप्रो, IT सेक्टर में से विप्रो को पकड़ो।
TCS बहुत महंगा है, इंफोसिस बहुत महंगा हो गया है, HCL भी इससे ज़्यादा ही प्राइस का है। TCS का प्राइस 3000 रुपए के समथिंग है, इंफोसिस 1500 रुपए के समथिंग है, HCL 950 रुपए के समथिंग है। आई विल रिकमेंड यू विप्रो, 555 रुपए का शेयर है, 490 रुपए के करीब था थोड़े दिन पहले, 347 रुपए की ग्रोथ दी है 5 सालों में। पी भी ठीक है, 29 का है, बाकियों से तो ठीक है, और ROE भी काफी ठीक है। तो ये 5 शेयर्स है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो, फिर से कह रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ऐड कर लो, बेटर है कि आप अपनी रिसर्च कर लें। मैंने तो अपनी रिसर्च कर ली है और मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, फिर भी आपकी समझ जरूरी है। देखो, कभी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो ये जान लो कंपनी करती है, फंडामेंटली मैनेजमेंट में कौन है, स्ट्रॉन्ग कितनी है, प्रॉफिट हो रहे हैं क्या, पिछले 5 सालों में देख लो कितना प्रॉफिट है, ग्राफ मिल जाता है बड़ी कॉमन, गूगल पे 5 मिनट के अंदर आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो। धीरे धीरे आएगा, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा ज़्यादा सीख चुका हूँ क्योंकि 3 साल हो गए हैं, मैं काफ़ी इन्वेस्ट कर गया, मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, प्रॉफिट भी देखा है, थोड़ा लॉस देखा, बट ज़्यादा मैंने प्रॉफिट देखा, एंड आई रियली कीन टू नो मोर थिंग्स, इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा, मैंने रिसर्च की है, आप भी अपनी रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करना।